नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72। मैं रविंद्र राजपूत, एक बार फिर से आपके सामने स्वागत हूँ लाइव। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत जुलूम के बारे में। 5 साल पहले हमने जो सर्वे किया था, जहाँ पर गाँव का जो माहौल था एक प्रकार से काफी हरा भरा था, आज की डेट में जो यहाँ पर का जो वास्तविकता स्थिति है सरपंच बनने के बाद और सरपंच न बनने के बाद, क्योंकि हाल ही में भी यहाँ चुनाव हुए थे, जहाँ पर यहाँ की जो सरपंच है श्री गंगेश्वरी सोरी जी, उनसे आज हमने मुलाकात करेंगे और नए चीज़ें जो गांव में डेवलपमेंट को जो हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि सफाई का काम हो गया, सोसाइटी का काम हो गया रोड में, और साथ ही साथ कोरोना के समय में इनकी क्या क्या भागीदारी है, जो कोरोना के बचाव के लिए जो गांव के उपयोगी लोगों को एक सुरक्षा मुहैया प्रदान कराती है। बहरहाल आज हम बात करेंगे श्री उनके जो मिस्टर हैं, आज हमसे जुड़े हुए हैं और उससे हम 2 मिनट खर्च एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये बताएंगे कि क्या क्या गांव में विकास हुआ है, क्या क्या और लोगों को लाभ हो रहा है, और साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं। तो ये हम बात करते हैं गांव के सरपंच के मिस्टर से। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम सरपंच के मिस्टर से बात करेंगे। ये एक्चुअल में एक प्रकार से देखा जाए तो एक 2 मिनट का सामूहिक व्यक्तिगत चर्चा होगा, जिसमें वो अपनी बातों को रखेंगे। तो आपका शुभ नाम? बाबूलाल सोरी। आपके आपकी वाइफ यहाँ की सरपंच है? हाँ, गंगेश्वरी सोरी। अच्छा, तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि चुनाव खत्म हुए थे जनवरी फरवरी में, एक महीने बाद कोरोना आ गया, कोरोना के लगते ही आपका लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। तो जो एक उम्मीद रहता है गांव के लोगों को कि हमारा सरपंच हमारे लिए कुछ नया करेगा, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे सफाई का, चाहे बिजली का, चाहे पढ़ाई का, चाहे शिक्षा का, चाहे रोजगार का, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका रहती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जनवरी के बाद से जितना भी आपको समय मिला एज अ पार्ट टाइम एज अ समय, तो आपने गांव के लिए क्या क्या विकास किया है, और साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगा कि कोरोना से बचने के लिए आपने क्या क्या उपाय किया है। आप अपने बात को रख सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए हम लोग ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं 20 सेकंड के लिए, मास्क है और वो सैनिटाइज का इस्तेमाल करते छिड़काव करते हैं, और सफाई सफाई का ध्यान रखते हैं। हाँ, सफाई का ध्यान है ना, साफ सफाई स्वच्छता। अच्छा, पुलिस वगैरह रात में गश्त लगाती है? पुलिस तो एनी टाइम घूमते रहते हैं टाइमिंग पे अपने। हाँ, और जो प्रशासन से जो सोसाइटी मिल रहा है, जो चावल मिल रहा है, दाल चना मिल रहा है, जो मुहैया हो रहा है, तो पर्याप्त समय में पर्याप्त टाइम में वो सब ठीक समय में मिल पा रहा है, कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अब एक बात मैं आपसे करूँगा, थोड़ा एक व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं कह सकते, एक भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा। कोरोना के समय में बच्चों का पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं आते, कई बच्चे जाते भी हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि बच्चों को खेलने की आज़ादी मिल गई तो और ज़्यादा खेलते हैं। तो आपने अपने एक व्यक्तित्व रूप से क्या सोचा कि जो गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे के पास तो आईपैड आईफोन रहता तो वो अपना ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गाँव के बच्चों के पास ये सुविधाएँ नहीं रहती, तो इस चीज़ के लिए आपने क्या विधान किया कि इन लोगों को भी उचित शिक्षा मिल जाए? हमारे यहाँ भी जैसे कि सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, उसी में पढ़ाई हो रहा है। हमारे गांव के जो लड़के हैं ना कॉलेज के हुए, उन लोग अभी यानी सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई कर पढ़ाते हैं, ट्यूशन है तो। और संख्या बच्चों की ठीक आ रही है? अब उतना ज़्यादा तो ठीक नहीं ना, 50% है। और कोरोना से बचने के लिए और कुछ अगर बेसिक अगर मैं बोलूँ तो आप गाँव के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को के लिए यही संदेश है कि कोरोना से बचने के लिए यानी मास्क पहने, स्वयं की सुरक्षा स्वयं के हाथ में है, सतर्क रहें, जागरूक रहें, बस। तो ये थे श्री बाबूलाल सोरी जी, यहाँ के एक प्रतिनिधित्व एक समझ सकते हैं, इनसे खास रिपोर्ट किए हैं। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन देवांगन के साथ न्यूज 72।